Good morning and welcome. Today we are going to start second chapter, strategy, formulation, implementation and evaluation. So now we are going to start part one, and that is strategy formulation. Okay. So in strategy formulation, there are three stages. Agar strategy formulate karna hai, तो थ्री स्टेज है उसके. क्या क्या है देखो. स्टेज वन इनपुट स्टेज, देन स्टेज टू मैचिंग स्टेज, एंड स्टेज थ्री द डिसीजन स्टेज. ओके. सो इनपुट स्टेज मीन्स आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि किसी फिनिश प्रोडक्ट के लिए इनपुट या डाटा होना जरूरी होता है, सॉरी रॉ मटेरियल होना जरूरी होता है, वैसे ही स्ट्रैटेजी अगर फॉर्मुलेट करना है तो उसका इनपुट क्या रहेगा. यस, स्ट्रैटेजी का इनपुट क्या रहेगा, डाटा. डाटा रिगार्डिंग, यस, किस कौन सा डाटा जरूरी है. यस स्टूडेंट, आंसर इट फास्ट. इनपुट मीन्स डाटा जरूरी है, राइट. विच डाटा, एनवायरमेंट एनालिसिस. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना है तो एनवायरमेंट एनालिसिस करना है. विच एनवायरमेंट, यस, कौन सा एनवायरमेंट. एम आई ऑडिबल टू ऑल. विच एनवायरमेंट, सी हियर, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन. सिद्दीकी बिजनेस, चिलू कमारी, इंटरनल, यस, वेरी गुड. बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नाइस स्टूडेंट्स. तो ऐसा स्पॉन्टेनियसली आना चाहिए, जैसे ही हम कोई कॉन्सेप्ट रीड करते हैं ना, तो इमीजिएटली. तो आप फर्दर उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, राइट. तो बस इनपुट है, रॉ मटेरियल है, तो स्ट्रैटेजी के लिए रॉ मटेरियल है डाटा, तो एनालिसिस करना है डाटा. इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन, देन एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन, एंड देन कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स. इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन करने से हमें हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वी कम टू नो. प्लान्स एंड पॉलिसीज, यस, राइट. तो देखो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस से रिलेटेड ये मैट्रिक्स कैसे बनाया है. तो क्या करना है देखो, यहाँ पे सर्टन स्टेजेस, अगर इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन करना है तो सर्टन स्टेजेस फॉलो करना है. व्हाट आर दैट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. Okay, तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है. तो सम पॉइंट्स आर स्ट्रेंथ एंड सम पॉइंट्स आर वीकनेसेस. ओके, तो आपको स्ट्रेंथ कॉइन करना है कि क्या क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ है. हम बुक में देखेंगे तो बुक में डिफरेंट है, ये मैंने गूगल से इमेजेस लिए हैं स्टूडेंट्स. तो बुक में है कि प्रॉफिट इंक्रीज, कॉरपोरेट इमेज, मार्केट शेयर, जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ रहेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ दिया है देखो, डाइवर्सिफाइड इनकम, ब्रांड रेपुटेशन, स्ट्रांग पैटेंट पोर्टफोलियो. तो ऐसे स्ट्रेंथ का लिस्ट बनाना है, देन वीकनेसेस का लिस्ट बनाना है. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेज या स्टेप रहेगा कि उसको वेट अलॉट करना है. वेट ऐसा अलॉट करना है कि जो 0 to 1 के बीच में रहेगा, और पूरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का टोटल, वेट का टोटल 1 ही आ जाएगा. ओके, तो वेटेज ऐसा देना है वेट कि टोटल जो है उसका 1, इट शुड कम 1. ओके, तो देखो यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेज है कि लिस्ट आउट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, दिस आर दी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. जो भी स्ट्रेंथ है अपने ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट वेट होता है. वेट मतलब सम आर मोर इसेंशियल,
सम आर वेरी क्रिटिकल, सम आर लेस क्रिटिकल, ऐसा है राइट। तो वेट जो देना है कौन से पॉइंट के बीच में देना है, यस स्टूडेंट, वेट कौन से पॉइंट के बीच में देना है, आंसर फास्ट, यस, 0 to 1, वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड, 0 to 1, गुलाम नम्रता, वेरी गुड। तो 0 to 1 के बीच में ही देना है और उसका जो टोटल है वो 1 होना चाहिए। देन रेटिंग देना है, नेक्स्ट स्टेप है रेटिंग देना है। तो रेटिंग को आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रेंथ है इसके लिए कौन सा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, यस स्ट्रेंथ के लिए कौन सा नंबर है, यस ऋतिक, वेरी गुड मिराज, स्ट्रेंथ के लिए नंबर क्या है, देखो कौन सा दिख रहा है यहाँ पे नंबर आपको, ओनली फॉर स्ट्रेंथ, यस 4 and 3, ओके। अगर मेजर स्ट्रेंथ है, यस 4 and 3, तो अगर मेजर स्ट्रेंथ है तो उसको 4 बोलना है और माइनर स्ट्रेंथ रहेगा तो उसको 3 रेटिंग देना है, वेरी गुड दीक्षा ऋतिक अंसारी। देन वीकनेसेस, उसके लिए क्या नंबर है, वीकनेसेस, यस वीकनेसेस के लिए, यस प्रतीक्षा 1 and 2, ज्योति गुलाम, वेरी गुड नम्रता, 1 and 2। देखो मेजर स्ट्रेंथ के लिए 4, माइनर स्ट्रेंथ के लिए 3, वैसे ही मेजर वीकनेस, मेजर वीकनेस मीन्स व्हाट, वो हमारा हाइयर क्या बोलेंगे वीकनेस है तो उसको हम रेटिंग कम ही देंगे राइट। तो मेजर वीकनेस के लिए 1 देना है और माइनर वीकनेस के लिए 2 रेटिंग देना है, क्लियर, ओके। देन ये स्कोर कैसे निकालते हैं आपको पता है, वेट एंड रेटिंग का मल्टीप्लिकेशन स्कोर, ओके। तो यही फिर ये जो टोटल है ये क्या है, वेटेड स्कोर। तो अकॉर्डिंग टू IFE मैट्रिक्स, सॉरी, टोटल वेटेड स्कोर जो है वो इफ अबाउट 2.5 रहेगा, 2.5 बोलेंगे या 2.50 बोलेंगे, तो अबाउट 2.5 रहेगा तो इट इंडिकेट्स दैट कंपनीज इंटरनल पोजीशन इज स्ट्रांग, क्लियर। ये जो टोटल दिख रहा है ये 2.74 आया है ना, ये वेटेड स्कोर, तो अगर ये 2.5 से हायर है, मोर है, तो इट सेज दैट कंपनीज इंटरनल पोजीशन इज स्ट्रांग, गॉट इट, समझ में आया ये चार्ट पूरा, ओके। देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में हमें किसका एनालिसिस करना है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का, सेम सर्टन अपॉर्चुनिटीज लिस्ट आउट करना है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एंड क्या क्या थ्रेट्स क्रिएट हो सकते हैं, तो उसका लिस्ट आउट करना है। देन उसको वेट देना है, वेट अगेन, वेट किसके बीच में, 0 to 1, टोटल जो है 1 रहेगा। रेटिंग देना है अपॉर्चुनिटीज के लिए 4 and 3 एंड नहीं वेट रेटिंग का राइट यहाँ पे मिक्स कर दिया ना, ठीक है, थोड़ा इमेज सिलेक्ट करने में अपना मिस्टेक हो गया, ठीक है, फिर भी आप समझ जाओ। अभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए 4 and 3 देना है, अपॉर्चुनिटीज़ तो अपना वही यहाँ पे अगर दे स्ट्रेंथ देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ है ऑब्वियसली हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है, तो 4 and 3, और थ्रेट्स जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपॉर्चुनिटीज तभी थ्रेट बन जाता है राइट, तो इनडायरेक्टली अपना वीकनेस ही है, तो इसके लिए 2 and 1, क्लियर, आपको बुक में देख के क्लियर हो जाएगा। देखो 4 and 3 फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड 2 and 1 फॉर थ्रेट्स,
देन वेटेड स्कोर निकलना है और यहाँ भी सेम पोजीशन, ये टोटल वेटेड स्कोर जो है वो अगर 2.5 से हायर है तो अपना एक्सटर्नल पोजीशन कैसा है, स्ट्रांग है, ओके। 2.5 से लोअर है तो एक्सटर्नल पोजीशन वीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा 3.31 वेटेड स्कोर है तो हमारा जो एक्सटर्नल पोजीशन जो है वो साउंड है, क्लियर। देन नेक्स्ट तो हमने हमारा देखा, हमारा इंटरनल पोजीशन देखा, हमारा एक्सटर्नल पोजीशन देखा। अभी क्या करना है, हमें अपने कॉम्पिटिटर का भी प्रोफाइल मैट्रिक्स बनाना है। इसको बोलते हैं डेवलपिंग दी कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। तो आपके स्ट्रेंथ वीकनेस या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और आपको कॉम्पिटिटर्स का भी स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटर्स का भी एनालिसिस करना होता है, राइट। तो उनके यहाँ पे उनका किस में स्ट्रेंथ या स्ट्रांग पॉइंट है, किस में उनका वीकनेस है, ये आपको उसका आइडिया होता ही है, राइट। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट डेल्टा यूनाइटेड एयरलाइंस, तो ये एयरलाइंस का प्रोफाइल मैट्रिक्स है। यस, इसका माइन कॉल है। तो देखो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सेम, वेटिंग देना है, रेट देना है। तो साउथ वेस्ट का कितना आ रहा है देखो, 3.14। देन डेल्टा का 2.89 और ये यूनाइटेड एयरलाइंस का 3.13। तो ये अभी आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये वेट और रेट कैसे कर रहे हैं, वेटेड स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। अच्छा ऋतिक, ऑडियो ब्रेक हो रहा है। यस, अभी ऑडिबल है बच्चों, क्लियर है अभी? यस ऋतिक, आई थिंक के बीच में मैसेजेस आते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा, ओके, अदरवाइज नो इशू। हाँ, तो अभी आपको ये समझ में आ गया है, अगर हमें कॉम्पिटिटर्स का स्टडी करना है, कॉम्पिटिटर्स के साथ से हमें कंपेयर करना है, तो हमारे सर्टन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो है वो कॉम्पिटिटर्स से रिलेटेड हम मैच करके देखेंगे, ओके। तो ये साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने किया है, तो ये हम क्या बोलेंगे इसको, ओन फॉर्म या फिर सैम्पल फॉर्म है साउथ वेस्ट, एंड ये डेल्टा एंड एयरलाइंस से कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको ये टोटल वेटेड स्कोर यहाँ दिख रहा होगा 3.14 टू साउथ वेस्ट का है, देन 2.89 डेल्टा का है, एंड यूनाइटेड एयरलाइंस का 3.13 है। तो जो ये तीनों भी कंपनी है तो इनका जो वेटेड स्कोर है इज मोर देन 2.5, राइट, सबका 2.5 है। तो इनका पोजीशन जो है वो साउंड है। आयुषु, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, वेटेड स्कोर जो है वो अबाउ 2.5 है तीनों एयरलाइंस कंपनी का, और ये जो डाटा है या कंपैरिजन कर रहे हैं वो साउथ वेस्ट कंपनी है, साउथ वेस्ट एयरलाइंस है। तो साउथ वेस्ट एयरलाइंस का जो आप देख रहे हो कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ये क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल है, मींस कॉम्पिटिटिव पोजीशन देख रहे हैं। तो हायर किसका है सब में, यस, सब में हायर पोजीशन या सबसे साउंड या कॉम्पिटिटिव पोजीशन बेस्ट किसका है, यस साउथ वेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड फारूकी, ऋतिक, प्रतीक्षा, ओके। तो अभी आपको एनालिसिस समझ में आ गया बच्चों, यस, इज इट इजी, यस वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, अभी क्या करना है, इनपुट हो गया, राइट, अभी हमने इनपुट कर दिया, हमारा
इंटरनल एक्सटर्नल देन कॉम्पिटिटर्स के साथ भी हमने अपना पोजीशन मैच किया है, एनालिसिस किया है। अभी हम मैचिंग करेंगे। मैचिंग क्या करना है हमें, हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है, वो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो क्रिएट होगा एनवायरनमेंट में, तो उससे मैचिंग करेंगे कि जो भी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है तो उसको कोपअप करने के लिए या उससे कंपटीशन करने के लिए हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैपेबल है या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं, राइट? देखो, हर तो अपना स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकते ना, हर इसमें कुछ ना कुछ तो वीकनेसेस रहेंगे। तो हमें आगे जाने जाते हैं तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के साथ ही जाते हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगा या थ्रेट्स एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहेगा, तो इज आवर एनवायरनमेंट आवर ऑर्गेनाइजेशन एबल टू कोप अप विथ द सिचुएशन। तो ये क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, मैचिंग। मैचिंग करना है, क्लियर? समझ में आ गया मैचिंग क्या है? सेकंड स्टेज हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्रिएट होंगे उसको मैचिंग करना। ओके, देन ये मैचिंग करना जो है तो उसके लिए सर्टन टेक्निक है। तो हमारा एक्टिविटीज या हमारा जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, वट एवर वी आर प्रोवाइडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है या सर्विस हम सर्व कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा पोर्टफोलियो है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो जो बिजनेस हमने स्टार्ट किए हैं उसका हमें एनालिसिस करना है। ओके, मैचिंग करना है मीन्स हमारे पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना है कि हमारे ये प्रोडक्ट है तो ये जो भी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में एग्जिस्ट है, तो उससे वो कोप अप करते हैं या नहीं। तो बहुत सारे टेक्निक्स है। सर्टन वी हैव कॉइन हियर, BCG मैट्रिक्स है, BCG है ना, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के। तो ये कंसल्टिंग ग्रुप बॉस्टन का, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उसको BCG मैट्रिक्स बोलते हैं। देन GE जनरल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस स्क्रीन, देन होफर्स प्रोडक्ट, देन दी टाउज मैट्रिक्स, ये उसको आप उल्टा रीड करोगे तो शॉर्ट दिखेगा के, टाउज मैट्रिक्स, क्लियर? तो ये मैचिंग करना है। दीज आर दी सम ऑफ दी टेक्निक्स ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस करके मैचिंग हो जाता है। देन नेक्स्ट है डिसीजन स्टेज। अभी इतना मैचिंग करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, थर्ड स्टेज में बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। इज ऑब्लिक आर, या तो एक स्ट्रेटजी या एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी सिलेक्ट किया जाता है, क्लियर? सो दीज आर द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन स्टेजेस। वेरी इजी था ये सब। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अभी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट का हमने स्टेजेस देखा था, तो अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट जो करते हैं, तो आपको भी सब इजीली समझ में आ जाएगा कि चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी, अगर हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किया है पूरा एनालिसिस करके, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटर्स का प्रोफाइल, तो बेस्ट स्ट्रेटजी अभी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटजी है। कि स्टेबिलिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था, स्टेबिलिटी ग्रोथ है या फिर ग्रोथ स्ट्रेटजी है, देन इंटेंसिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है। तो अगर हमने कोई एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर लिया कि हमें स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी चाहिए, तो हम फर्दर ग्रोथ का नहीं सोचेंगे, राइट? तो फर्दर ग्रोथ का जो स्ट्रेटजी है वो हमारे मतलब हमने डिसाइड किया है कि बस स्टेबिलिटी ही ग्रोथ, स्टेबिलिटी ग्रोथ चाहिए। जो भी ग्रोथ अचीव किया है उसको ही होल्ड करना है, फर्दर एक्सपांशन नहीं करना है। तो स्टेबिलिटी रिलेटेड हम सोचेंगे। देन ग्रोथ स्ट्रेटजी अगर डिसाइड किया है, देन कौन से टाइप का ग्रोथ करना है, इंटरनल ग्रोथ या एक्सटर्नल ग्रोथ, देन हमने डिसाइड किया बस इंटरनल ग्रोथ ही है। तो इंटरनल ग्रोथ में फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट या फिर मार्केट पेनिट्रेशन,
तो हमें पॉसिबल है, हमें सब स्ट्रैटेजी जो है उसमें से अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट स्ट्रैटेजी चॉइस कर सकते हैं। अगर हमने एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी डिसाइड किया तो फिर मर्जर करना है, टेक ओवर करना है, जॉइंट वेंचर करना है, तो अकॉर्डिंगली फिर स्ट्रैटेजी सिलेक्ट, अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी का हम प्लानिंग करेंगे और प्रॉपर स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करेंगे, चॉइस करेंगे। क्लियर? देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में लाना है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है तो R&D करेगा, है ना, बेटर कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करेगा, तो ऑब्वियसली एनेबल टू फेस कॉम्पिटिशन, इट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का आपको मालूम है स्ट्रैटेजी जो है 3 लेवल का है, ओके। फर्स्ट लेवल होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा स्ट्रैटेजी, यस, होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, कौन सा स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसको, फास्ट, यस स्टूडेंट, यस ज्योति, कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी, और वो कौन बनाएगा, यस, कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट, वेरी गुड ज्योति गुलाम, वेरी गुड। तो ये कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनेगा, राइट। देन सेकेंड रहेगा कि बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। तो कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी कम्युनिकेट किया जाएगा सेकेंड लेवल पे मैनेजर्स को, तो मैनेजर्स फिर बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएंगे अकॉर्डेंस विद द कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी। देन बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा, बिजनेस का जो एक्टिविटीज़ होता है वो फंक्शन में होता है, डिपार्टमेंट में होता है, तो कॉरपोरेट बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो डिपार्टमेंटल हेड्स को कम्युनिकेट किया जाएगा। देन डिपार्टमेंटल हेड्स जो है वो अपने डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग फिर कौन सा स्ट्रैटेजी बनाते हैं, यस, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, फास्ट, डिपार्टमेंटल हेड जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो कौन सा स्ट्रैटेजी है, यस, वेरी गुड ज्योति, फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन है, राइट, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी। डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हर डिपार्टमेंट का अपना स्ट्रैटेजी बनेगा, फंक्शनल स्ट्रैटेजी, ओके, गुड। देन कॉर्पोरेट इमेज, तो अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किया जा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करता है, ग्रोथ के नए नए स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है, तो कॉर्पोरेट इमेज इन द माइंड ऑफ किस में बनता है, इमेज कहाँ बनता है, यस चुलू कमारी, यस, इमेज कहाँ बनता है, प्रतीक्षा, वेरी गुड कनक, नाइस, यस, इन द माइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स है उनके माइंड में कॉरपोरेट इमेज बनता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, तो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट किया जाता है, देन जो भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, मैनेजर्स के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, नया नया टेक्नोलॉजी परचेस किया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न्स जो है बढ़ जाते हैं, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिटर्न्स टू कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब रिटर्न्स हमारे एक्सेस हो जाते हैं कंपेयर टू कॉस्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो स्ट्रैटेजी के लिए प्रॉपर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, इसेंशियल रिसोर्सेज का कलेक्ट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, यस, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, यस कनक, प्रॉफिटेबिलिटी, यस, प्रॉफिट अर्निंग, मार्केट शेयर, है ना, तो ये सब, लॉन्ग स्टेबिलिटी, हाँ, लॉन्ग स्टेबिलिटी मतलब सर्वाइवल, है ना,
देन संजना एक्सपांशन, यस बिजनेस एक्सपांशन, तो ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया जा रहा है एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली प्रॉपर अगर स्टडी करके स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया है तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सक्सेसफुली हो जाता है। यस चिलू कुमारी। देन फैसिलिटेट इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, राइट। तो इवैल्यूएशन करना, हमारे पास हमारा स्ट्रैटेजी अगर हमने प्रिपेयर्ड किया है प्रॉपर इवैल्यूएशन करके, देन हमें क्या अचीव करना है उसका भी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड, तो उसको अगर कंपैरिजन करते हैं देन वी कम टू नो वेदर एनी डेविएशन है या नहीं है। अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं उस पर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में कंट्रोल करते हैं। तो फैसिलिटेट इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। देन रिड्यूस डिस्प्यूट, तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, हर एक को अपना अपना रोल मालूम है, तो किसी को गाइडेंस करने के लिए या कोई कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट होता है, तो हमेशा गाइडेंस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इट लीड्स टू रिड्यूस डिस्प्यूट, इससे डिस्प्यूट रिड्यूस होता है। देन नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। तो प्रॉपर अगर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया जाता है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ग्रोथ भी होता है और एक्सटर्नल ग्रोथ भी होता है। और ग्रोथ होता है मीन्स वही कि अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होता है। ओके, सो दस वी सम अप टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू स्टूडेंट। यस, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क।